नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बैतूल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद विष्णुदत्त शर्मा बैतूल दौरे पर। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने अपने बैतूल कार्यक्रम के तहत विजय भवन भाजपा कार्यालय में जिला पदाधिकारी एवं मोर्चा जिलाध्यक्षों के साथ बैठक कर संगठनात्मक विषयों पर संवाद किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद दुर्गादास उइके, जिलाध्यक्ष आदित्य शुक्ला, जिला प्रभारी सुजीत जैन, पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक हेमंत खंडेलवाल सहित बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। मार्केटिंग हेड दीपक बर्थी की रिपोर्ट। आज एक दिन पूर्व मैं आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं। आज लोहड़ी का पर्व है, इसलिए लोहड़ी के पर्व की भी बहुत शुभकामनाएं। मेरा प्रवास एक संगठनात्मक प्रवास है। भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष श्रद्धेय कुशवाहा ठाकरे जी का एक जन्म शताब्दी वर्ष है। जन्म शताब्दी वर्ष पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने तय किया कि हम सब मिलकर के इस वर्ष को संगठन पर्व के तौर पर मनाएंगे और संगठन कार्य का विस्तार और काम का सुदृढ़ीकरण, ये दो मुख्य हमारे पहलू होंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो तय किया है कि हम अपना जो मंडल है, जो हमारी मूल एक ऐसी इकाई है कि जो काम के इम्प्लीमेंटेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ऐसे मंडल को स्वावलंबी मंडल बनाने का अभियान हमारा जो शक्ति केंद्र होगा, जिसको हम ग्राम नगर केंद्र भी कहते हैं, उनको सक्रिय बनाकर जो भारतीय जनता पार्टी के काम में सबसे छोटी हमारी यूनिट है, जिसे हम बूथ कहते हैं, प्रत्येक बूथ को सक्षम बनाना, ये हमारा एक बड़ा लक्ष्य कि मध्य प्रदेश के अंदर 65,000 के करीब बूथ हैं, उन सभी बूथों को सक्षम बनाने की भूमिका में हम भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व इस बार हम इस दिशा में काम करेंगे। इस पर हमारी लगातार तैयारी आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चल रही है और उस तैयारी की दृष्टि से ही मेरा प्रवास भी मध्य प्रदेश के जिलों के अंदर इसी निमित्त में ये प्रवास कर रहा हूं। हमने तय किया है कि ठाकरे जी ने अपने जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल इस भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में लगाया, तो हम सब कार्यकर्ता मिलकर के हमने संकल्प लिया है कि विस्तारक योजना के माध्यम से जो हमारे 9,000 के करीब शक्ति केंद्र हैं, हर शक्ति केंद्र पर दो कार्यकर्ता विस्तारक की भूमिका में जाएंगे और ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर 10 दिन हर दिन 10 घंटे ऐसे कम से कम 100 घंटे हम विस्तारक योजना में समय लगाकर हर बूथ को सक्षम बनाने में जो पैरामीटर्स कुछ हमने तय किए उन कामों को पूरा करते हुए अपने बूथ को सक्षम बनाने के अभियान को सफल करेंगे। यानी 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख से लेकर के 30 जनवरी तक पूरी भारतीय जनता पार्टी बूथों पर होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी, उन्होंने कहा कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं तो मैं सरकार का भी काम करूंगा, लेकिन आधे दिन बूथों पर जाकर के विस्तारक योजना में भी काम करूंगा। वो प्रदेश अध्यक्ष भी काम करेंगे, सांसद भी काम करेंगे, विधायक भी काम करेंगे, लेकिन इन 10 दिनों के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी बूथों पर होगी और अपने बूथ को सक्षम बनाने के अभियान में हम जुटेंगे। एक हमने व्यापक लक्ष्य अपने संगठन कार्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण, कहां हमारी कमजोरी है, कहां किन बातों को ठीक करने की जरूरत है, इन सारे मुद्दों पर, उन पैरामीटर्स का यहां उल्लेख नहीं किया जा सकता, उन पर हम काम व्यापक तौर पर हमने करना शुरू कर दिया है। आगामी समय में ठाकरे जी ने जो एक भारतीय जनता पार्टी को दिशा दी, एक देश के अंदर नया कंसेप्ट और पद्धति का विकास किया कि अपने संगठन को अपने कार्यकर्ताओं के बल पर चलाना, आर्थिक दृष्टि से भी अपने कार्यकर्ताओं के सहयोगियों के आधार पर अपने संगठन को खड़ा करना, इस दिशा में भी हम इस बार समर्पण निधि के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अपने आप को सक्षम बनाने के लिए एक बड़ा अभियान, हम समर्पण निधि के साथ एक बड़े कॉर्पस फंड को इकट्ठा करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से, समाज के सहयोग से करेगी।
अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रपति जी ने, आपने देखा होगा मीडिया के मित्रों ने, एक माइक्रो डोनेशन जो ठाकरे जी ने बहुत पहले इस कंसेप्ट को दिया था, अभी माननीय प्रधानमंत्री माननीय राष्ट्रपति जी ने शुरू किया कि भाजपा के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता है 5 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक माइक्रो डोनेशन के माध्यम से अपने संगठन को सशक्त बनाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1000 रुपए दिए, मैंने भी दिए, और बूथ बूथ पर पूरे कार्यकर्ता मध्य प्रदेश से देश के अंदर माइक्रो डोनेशन 5 रुपए से लेकर के जो दे सकता है, लेकिन अधिकतम 1000 रुपए तक। ये भी एक बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने में कर रही है। इसलिए इस दिशा में हमारा जो अभियान है, एक व्यापक अभियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संगठन के पर्व के वर्ष के तौर पर लिया है। उसी के निमित्त आज हमारे पदाधिकारियों की बैठक थी, आज हमारे जनप्रतिनिधि पूर्व जनप्रतिनिधियों की बैठक थी, हमारे मोर्चों की भी बैठक आज की इस प्रेस के बाद होने वाली है। हमारे कमल पुष्प का एक अभियान है, वो भी आपके सामने में इसलिए उसको उल्लेखित कर रहा हूं। ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने जीवन लगा करके भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, सब कुछ अपना न्योछावर करके काम किया, ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ उनसे मिलना, उनसे आशीर्वाद लेना, आज के समय के अंदर हो सकता है वो काम कर रहे हैं उतना आज उनकी भूमिका नहीं होगी उम्र के साथ या कई चीजों के कारण से, लेकिन उनके साथ जाकर उनसे आशीर्वाद लेना और मिलना, ये भी एक हमारा अभियान है। यहाँ पर भी मैं जाने वाला हूँ, ऐसे हमारे जो कार्यकर्ता है उनसे मिलकर के भारतीय जनता पार्टी इस वर्ष इस दिशा में संगठन के पर्व के तौर पर हम इस काम में लगे हैं, उसमें सभी कार्यकर्ताओं की हमारी भूमिका बनेगी, और 20 से लेकर के 30 तक सारी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की बूथों के सक्षम बनाने का अभियान में जुटेगी। इतनी बात मुझे आपसे कहनी थी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक तरफ सरकार डिस्टेंसिंग की बात कर रही है कोरोना